वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर साउथ में। और मैं आज बात करने वाला हूं दो बिग अपडेट के बारे में, जो कि रामचरण की अपकमिंग दो बिग पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें RC-15 की, तो मोस्टली RC-15 का जो शूटिंग है वो इंडियन 2 के साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस अपडेट पे आपको बताया था। और साथ ही साथ अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ऑफिशियल रिलीज डेट जो है RC-15 का जल्द ही निकल के आने वाला है मेकर्स की तरफ से, और मोस्टली 2023 मई के मंथ को जो है मेकर्स टारगेट कर रहे हैं मई मंथ के RC-15 को रिलीज़ करने की। अब कितना ज़्यादा ये सही रहेगा नहीं रहेगा वो तो मेकर्स को पता है, लेकिन 2-3 जो है त्यौहार यहाँ पे आ रहे हैं मई के महीने में, तो देखते हैं कौन सा डेट को जो है मेकर्स चुनते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगला अपडेट की तरफ। जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ रामचरण यानी कि RC-16 का, जिसको गौतम तिनानूरी जो है डायरेक्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो म्यूजिक डायरेक्शन है उसको अनिरुद्ध फाइनलाइज कर दिया गया है, और साथ ही साथ एक नया रिलीज डेट को जो है मेकर्स टारगेट कर रहे हैं। अभी तक इसका शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि जनवरी 2023 में स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ मेकर्स ने यहाँ पे गेस करके एक रिलीज डेट को अनाउंस किया है, पर्टिकुलर डेट नहीं बोला गया, लेकिन समर 2024 ऐसा करके जो है मेकर्स ने अपना ओपिनियन दिया है। अब किस दिन शूटिंग स्टार्ट होगा, किस दिन एंड होगा, 8 महीने का आप शेड्यूल लेके चलो, मोस्टली RC-16 का जो है होने वाला है। जनवरी से जो है RC-16 का शूट स्टार्ट होगा और लगभग नवंबर के बीच में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये दोनों फिल्में जो है 2023 में एक और 24 में एक आने वाले हैं। 2 साल के अंदर 2 फिल्में रामचरण का देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों जो है पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, RC-15 एंड RC-16। तो किस फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए अपडेट में, एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।